टर्बोसॉफ्ट इंजन हेलीकॉप्टर के अलावा बोट, शिप्स, आर्मी टैंक और एयरप्लेन में भी यूज में लिया जाता है। टर्बोसॉफ्ट इंजन साइज में छोटे, वजन में हल्के और पावर आउटपुट एक्सीलेंट। एयरप्लेन का इंजन टर्बोफेन इंजन होता है जिसकी वर्किंग सेम है लेकिन यूज इसके ऑपोजिट है, जो आपको आगे समझ में आ जाएगा। हेलीकॉप्टर में लगे टर्बोसॉफ्ट इंजन का काम सॉफ्ट पावर जनरेट करना होता है और इंजन से मिलने वाली सॉफ्ट पावर का यूज हेलीकॉप्टर के मेन रोटर को रोटेट करवाने में किया जाता है। इंजन का सबसे पहला पार्ट है पावर शाफ्ट। यह शाफ्ट मेन रोटर ब्लेड को रोटेट करवाती है। इस शाफ्ट को पावर मिलती है टरबाइन के एक सेट से और इस टरबाइन सेट को पावर टरबाइन बोलते हैं। इन टरबाइन ब्लेड्स में जो रोटेट कर रही है उनको रोटर ब्लेड बोलते हैं, जो मेन शाफ्ट के साथ में रोटेट करती है, और जो फिक्स्ड ब्लेड है उनको स्टेटर ब्लेड बोलते हैं, जो इंजन की बॉडी के साथ में फिक्स्ड रहती है। टर्बाइन ब्लेड को करीब से देखें तो यह एयरफॉइल प्रिंसिपल को फॉलो करती है। ब्लेड एक तरफ एयर का हाई प्रेशर क्रिएट करती है, दूसरी तरफ लो प्रेशर, जिससे ब्लेड हाई प्रेशर से लो प्रेशर साइड में आगे की तरफ बढ़ेगी। स्टेटर ब्लेड एयर फ्लो को सही से गाइड करने के लिए होती है ताकि रोटर ब्लेड को प्रॉपर एयर मिल सके और वह मैक्सिमम पावर जनरेट कर सके। अब देखते हैं कि इस टर्बाइन सेट को गैस कहाँ से मिलती है रोटेट करने के लिए। टर्बाइन सेट के ऊपर देखो तो कंबसन चेंबर लगा है जिसमें नोजल लगे रहते हैं। जब कंबसन चेंबर में एटमाइज्ड जेट फ्यूल को नोजल से भेजा जाता है तो इग्नाइटर फ्यूल को बर्न करते हैं। इग्नाइटर बेसिकली एक स्पार्क प्लग होता है जो इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट करके फ्यूल में आग लगाता है। लेकिन फ्यूल यहाँ पर अकेला नहीं जलता है, इस फ्यूल के साथ में मिक्स किया जाता है हाई प्रेशर एयर को मीडियम टेम्परेचर पर। अब हाई प्रेशर एयर इस चेंबर में पहुँचाने के लिए यूज किया जाता है कंप्रेसर का। कंप्रेसर और टरबाइन देखने में एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन कंप्रेसर का काम होता है एयर को कंप्रेस करना और उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना, जबकि टरबाइन आउटपुट शाफ्ट से जुड़ा रहता है जो शाफ्ट को रोटेट करवाता है। यहाँ पर लगा कंप्रेसर सेट एक होलो शाफ्ट से कनेक्टेड रहता है। इस होलो शाफ्ट को मेन पावर शाफ्ट के ऊपर सेट कर दिया जाता है, लेकिन ध्यान देने की बात है दोनों शाफ्ट इंडिपेंडेंटली रोटेट करती है। कंप्रेसर को रोटेट करवाने के लिए एक दूसरा टरबाइन जिसको गैस टरबाइन बोलते हैं, इसको पावर टरबाइन सेट के पास में अरेंज किया जाता है इसी होलो शाफ्ट पर। इस टरबाइन का काम सिर्फ इतना है कि कंप्रेसर को पावर प्रोवाइड करवाए ताकि वह बाहर से एयर को अंदर की तरफ खींचे और उसको कंप्रेस कर सके। यहाँ पर आप देख रहे हो कि दोनों टरबाइन सेट इंडिपेंडेंटली अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। अब देखते हैं हेलीकॉप्टर को जब स्टार्ट किया जाता है तो यह मैकेनिज्म कैसे काम करता है। सबसे पहले हेलीकॉप्टर के अंदर बैठा पायलट फ्यूल को इग्नाइट करके रखता है। जब फ्यूल इग्नाइट होता है तो रैपिडली एक्सपेंड करता है, एक तरीके से यहाँ पर धमाका होता है। देन फ्यूल पहुँचता है गैस टर्बाइन के पास में। गैस टर्बाइन रोटेट करने लगेगा जिससे कंप्रेसर भी साथ में रोटेट करने लग जाएगा और कंप्रेसर बाहर से हवा को अंदर की तरफ खींचेगा और उसका प्रेशर, टेम्परेचर एंड वेलोसिटी इंक्रीज करके कंबसन चेंबर तक पहुंचाएगा। जब तक कंप्रेसर की एयर कंबसन चेंबर में नहीं पहुंच जाती तब तक पायलट फ्यूल को कंटिन्यूसली जलाकर रखता है। इन अदर वर्ड्स, जब तक इंजन अपनी 45% ऑपरेटिंग स्पीड तक नहीं पहुंच जाता तब तक स्टार्टर बटन को प्रेस करके रखा जाता है। जैसे ही कंप्रेसर की एयर फ्यूल के साथ में मिक्स होना शुरू होती है तो स्टार्टर बटन को रिलीज कर दिया जाता है। इसके बाद में इंजन अपने आप अपनी फुल स्पीड में रोटेट करने लग जाएगा। कंबसन चेंबर से निकली हुई हाई टेम्परेचर वाली गैसेस पहले गैस टरबाइन को रोटेट करवाएगी, उसके बाद में पावर टरबाइन को रोटेट करवाएगी। पावर टरबाइन रोटेट होने से मेन शाफ्ट रोटेट होने लग जाएगी और जलने के बाद गैसेस बाहर एज एग्जॉस्ट निकल जाएगी। लेकिन जो एयरप्लेन का टर्बोफेन इंजन होता है उसमें इस एग्जॉस्ट को नॉर्मली हेलीकॉप्टर के इंजन की तरह बाहर नहीं छोड़ा जाता। पीछे की तरफ एक नोजल लगा रहता है जो इन एग्जॉस्ट गैसेस को पहले कन्वर्ज करता है फिर डाइवर्ज करता है, जिससे इंजन को आगे की तरफ थ्रस्ट लगता है। और टर्बोफेन इंजन में मेन शाफ्ट पावर को इस बड़े फेन को रोटेट करवाने के लिए काम में लिया जाता है। कंप्रेसर की एफिशिएंसी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर को लगाया जाता है जो गैस को इफेक्टिव तरीके से कंप्रेस करता है। जब दोनों टरबाइन रोटेट करते हैं तो इनकी स्पीड होती है 46,000 आरपीएम, जो बहुत ज्यादा हाई है। इसके लिए पावर शाफ्ट पर एक रिडक्शन गियर सिस्टम लगाया जाता है जो इसकी स्पीड को 6,000 आरपीएम तक रिड्यूस कर देता है और इस स्पीड को मेन रोटर ब्लेड को दिया जाता है और साथ में टेल रोटर को भी।
क्या आप सोच सकते हो जिस इंसान ने टर्बोशाफ्ट इंजन को बनाया होगा उसका माइंड कैसा होगा। एक्चुअल में इन सब के पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत लगती है। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, कंप्यूटर्स, कौन है इन प्लेटफॉर्म्स को बनाने वाले। द इनोवेटर्स बुक समरी, जिसको आप ऑडियो फॉर्म में कुकू FM पर सुन सकते हो और सीख सकते हो यह इतने बड़े बड़े इन्वेंशन कैसे किए गए, क्या साइकोलॉजी रही होगी इनके पीछे। मेरे को खुद को यह बुक बहुत ही शानदार लगी। कुकू FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप किसी भी बुक को ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो। यहां पर 4000 घंटों से भी ज़्यादा की ऑडियो लाइब्रेरी अवेलेबल है। इसके अलावा आप इन बुक्स को और भी बहुत सारी रीजनल लैंग्वेज में सुन सकते हो। यदि आप भी अपना नॉलेज इंक्रीज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से अभी डाउनलोड करें कुकू FM ऐप को। इसके अलावा फेस्ट 250 यूजर्स को मेरा कूपन कोड LDA50 यूज करने पर 399 का ईयरली सब्सक्रिप्शन 50% ऑफ यानी 199 में मिल जाएगा। नाउ बैक टू द पॉइंट। टर्बोशाफ्ट इंजन का कंप्रेसर बाहर से बहुत ज्यादा एयर को अपने अंदर की तरफ खींचता है और उसकी सिर्फ 20% एयर को ही कंबसन चैम्बर में भेजा जाता है। बाकी 80% को कंबसन चैम्बर की कूलिंग में काम में लिया जाता है, क्योंकि जब जेट फ्यूल जलता है तो उसका टेम्परेचर 1700 डिग्री सेल्सियस तक होता है और हमारे पास में ऐसी कोई भी मेटल नहीं है जो इस टेम्परेचर को लॉन्ग टाइम तक सहन कर सके। इसलिए बहुत जरूरी है कि कंबसन चैम्बर की कूलिंग की जाए। और कूलिंग के लिए आपने नोटिस किया हो तो कंबसन चैम्बर में आग मेन एयर फ्लो के रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और इस टेक्निक को कहा जाता है काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। इस मेन एयर को कंबसन चैम्बर के चारों तरफ रोटेट करवाया जाता है और कंबसन चैम्बर में कुछ होल्स और स्लॉट्स की हेल्प से कंबसन चैम्बर के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड तैयार की जाती है जो प्रॉपर कूलिंग प्रोवाइड करवाती है। टर्बोशाफ्ट इंजन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इंजन में इन दोनों टर्बाइन सेट को अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट करवाना एक मजबूरी जैसा है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ पर जायरोस्कोपिक इफेक्ट पिक्चर में आ जाएगा जो हेलीकॉप्टर को आगे नहीं बढ़ने देगा। जायरोस्कोपिक इफेक्ट का एक हल्का सा ओवरव्यू देखते हैं। यह कोई स्पिनिंग डिवाइस है। यदि हम इस डिवाइस को रोटेट करवाते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी और इस डिवाइस से जनरेट किया गया टॉर्क अंदर की साइड में लगेगा जो एंगुलर वेलोसिटी पर हावी हो जाएगा कुछ इस तरीके से। सिंपल सी भाषा में कहे तो जायरोस्कोपिक इफेक्ट, जब स्पिनिंग डिवाइस रोटेट करने लग जाती है तो वह अपना रोटेशनल एक्सिस नहीं बदलना चाहती और डिवाइस पर लगने वाला टॉर्क डिवाइस को एक ही जगह रोटेट करवाता रहेगा। और यही सेम सिचुएशन हेलीकॉप्टर के साथ में होती है और हेलीकॉप्टर एक ही एक जगह रोटेट करने लग जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है कि जायरोस्कोपिक इफेक्ट को खत्म किया जाए और यही रीजन है टर्बाइन सेट को ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करवाकर ऑलमोस्ट इस इफेक्ट को खत्म कर दिया जाता है। हेलीकॉप्टर में एक डिजास्ट्रस प्रॉब्लम और आती है जिसको कंप्रेसर स्टॉल बोलते हैं। इस प्रॉब्लम की वजह से इंजन में एक अनकंट्रोल्ड एक्सप्लोजन होता है और कुछ इस तरीके से आग बाहर निकलती है और इसकी वजह से शाफ्ट पावर रिड्यूस हो जाती है जो कोई एक्सीडेंट का रीजन बन सकती है। इस प्रॉब्लम के पीछे कुछ रीजन हो सकता है, कंप्रेसर के सामने कोई बर्ड आ जाए, इसके अलावा कंप्रेसर के अंदर प्रॉपर एयर फ्लो ना हो तो भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। कंप्रेसर स्टॉल ही एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बड़े बड़े एयरप्लेन धराशायी हो जाते हैं और इन इतने बड़े एयरप्लेन को एक छोटे से बर्ड का बहुत ज्यादा डर लगता है। प्रॉब्लम के पीछे रीजन है कि नॉर्मल कंडीशन में ब्लेड से ऐसे एयर फ्लो करती है और कंप्रेसर स्टॉल के टाइम यहाँ पर एयर सर्कुलेट करने लग जाती है, जिसको फ्लो सेपरेशन बोलते हैं, जो स्टॉल की प्रॉब्लम क्रिएट करती है। लेकिन इस प्रॉब्लम को काउंटर किया जा सकता है यदि कंट्रोल्ड पिच एंगल स्टेटर ब्लेड को यूज में लिया जाए तो। इस प्रॉब्लम को हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यह अपने आप में फिजिक्स का एक अलग फंडा है जो इस वीडियो की लेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में कुकू FM का लिंक दिया हुआ है, ऐप को डाउनलोड करें और अपने नॉलेज को बूस्ट कीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि ऐसा है तो चैनल पर विजिट करके और बहुत सारी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हो। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत रहेगी। थैंक यू।